सब्सक्राइब कीजिए मोबाइल टेक्निकल गुरु चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करें, हमारा लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये कार्बन का K9 मॉडल है और इसमें जो प्रॉब्लम है वो PCB 60 है। दोस्तों हम आपको PCB 60 के बारे में बताएंगे कि PCB 60 कैसे हटाते हैं। दोस्तों ये मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी रेंज में रख लेंगे और आपको दिखा देते हैं कि ये जो हमारा PCB है वो पूरी तरीके से 60 बता रहा है, फुल 60 बता रहा है। दोस्तों दोनों तरफ से हम आपको चेक करा देते हैं, ये प्लस और माइनस दोनों आपस में 60 है। दोस्तों इसे ठीक करने के लिए हम आपको तरीका बता देते हैं। तो दोस्तों फटाफट हम इस पे जो लगे पैनल को हम खोल लेते हैं और प्लेट को भी हम अलग कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो ये डाइबोर्ड लगा हुआ है, सबसे पहले इस डाइबोर्ड को हम चेक करेंगे। ये जो दोनों साइड है, दोनों साइड पे यहाँ पे हमारा जो मीटर रीडिंग है वो शो कर रहा है। ये हम आपको और करीब से दिखा देते हैं थोड़ा सा। ये दोनों साइड से PCB 60 बता रहा है। दोस्तों इसे हमें क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद हमें दोबारा किसी और कंपोनेंट को रिमूव करेंगे। ये जो डायोड है इसे हमें सबसे पहले रिमूव करना है। इसे हम रिमूव कर लेते हैं। ये हमने डायोड को रिमूव कर दिया है। अब दोस्तों हम आपको चेक करा देते हैं कि जो हमारा PCB है वो पूरी तरीके से ठीक हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों इसे हम आपको एक बार और चेक करके दिखा देते हैं। ये हमारा जो PCB है वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। दोस्तों हमने ये जो डाइबोर्ड यहाँ पे लगा हुआ था उसे हमने रिमूव किया है। दोस्तों यदि इस प्रकार के फॉल्ट आप के मोबाइल में यदि आता है तो इस डाइबोर्ड के माध्यम से आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको PCB को चालू करके दिखा देते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों ये मोबाइल हमारा जो है अब पूरी तरीके से काम करने लगा। दोस्तों यदि अभी तक हमारा चैनल मोबाइल टेक्निकल गुरु आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।